नमस्कार दोस्तों, टेक युक्ति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप फोन को अमेजिंग बना सकते हैं या फिर अपने आप को स्मार्ट यूजर बना सकते हैं। यह ट्रिक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूनिक है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस ट्रिक का यूज कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट आप फेसबुक चला रहे हो और आपका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो, यह संभव नहीं है। क्योंकि जब भी हम आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फोटो कैप्चर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपना कैमरा ऐप ऑन रखना होता है। इवन नॉर्मली जब आप फोटो खींचते हो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो तो उसके लिए आपको कैमरा ऐप ऑन रखना होता है। जैसे आप उस ऐप को बंद करोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। बट मैं आपको एक ऐसे एंड्रॉयड ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप बैकग्राउंड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब आप फ़ोन पे कुछ भी करो वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा, फ़ोन पे मैसेज कर रहे हो वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा, फ़ोन और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फ़ोन पे क्या कर रहे हो और वो बैकग्राउंड में वीडियो को रिकॉर्ड करता रहेगा। इस ऐप का नाम है बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डर ऐप, और इसमें 4K तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन ऐसा नहीं है कि ये फालतू का ऐप है, बहुत सारे ऐप आपने देखा होगा, सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर ऐप, ये रिकॉर्डर ऐप, वो सब बहुत फालतू के होते हैं, थर्ड क्वालिटी के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। बट ये आपके कैमरे के हिसाब से 4K तक, अगर आपका कैमरा सपोर्ट करता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेगा। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर अगर नहीं जा सकते, आप सर्च नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। और इसको मैं क्या करता हूँ, प्ले स्टोर पर आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे सर्च करना है बैकग्राउंड, और यहाँ पे बैकग्राउंड सर्च करना है बैकग्राउंड, और वीडियो रिकॉर्डर जैसे डालेंगे सबसे पहला ऐप आ जाएगा। इसे 10 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और इसे गूगल पे 4.4 की रेटिंग मिली है। तो आप समझ सकते हैं ये ऐप बहुत ही अच्छा है। और मैं इस ऐप का आपको कारनामा दिखाता हूँ, मतलब इस ऐप से वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ इस ऐप को, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए सिंपल सा इंटरफेस है, इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रेड बटन पे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ देखिए, और ये स्टार्ट हो गई है वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं इसे बैकग्राउंड में कर देता हूँ। उसके बाद मैं इवन फेसबुक ऑन करता हूँ, और इवन मैं और कोई मैसेज करता हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट पे, या फिर अपना नोट ऑन करता हूँ, नोट टाइप करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है वहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वीडियो मेरा रिकॉर्ड होता जा रहा है, मैं कुछ भी करता हूँ फ़ोन पे उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मतलब इसे आप सभी, मतलब कोई भी नहीं समझ सकता। इवन आप देख रहे हैं मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें आप सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जब भी कोई आप ध्यान देता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, कि आपके फ़ोन में क्या चल रहा है, वो देखना चाहता है कि आपके फ़ोन में हो सकता है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में ये वीडियो दिख रहा होगा तो ये देखता है, या फिर आप कैमरे से फोटो ले रहे हैं तो उसमें कैमरा दिख रहा होगा। तो ऐसा इसमें कुछ पता ही नहीं चलता कि आप कर रहे हैं। देखिए मैं मेल पढ़ रहा हूँ तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। इस ऐप को आप ऐसे जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, या फिर कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको कैमरा रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं ऑप्शन है वहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं करते, तो आप चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं मैसेज पढ़ते हुए भी, कोई शक भी नहीं खाएगा। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऐप है, उसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इस ऐप को मैं बंद करके आपको वीडियो पहले दिखाता हूँ, और मैं इस ऐप को बंद कर रहा हूँ। देखिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, देखिए मैंने करीब 1 मिनट 21 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया है, और बहुत आराम से इसे देख सकते हैं। और वीडियो देखिए, और ये 4K वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, और मतलब 1080 वीडियो है मैंने रिकॉर्ड किया है इससे। और भी बहुत से तरीके हैं 4K तक, मेरा जो कैमरा है वो 4K सपोर्ट नहीं करता तो मैं इसको 4K नहीं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट अगर आपका सपोर्ट करता है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यह आपने देख लिया कि यह बैकग्राउंड में कैसे वीडियो को रिकॉर्ड करता है। मैं इस ऐप के कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। इस ऐप को ओपन करिए और आप सीधे जाइए सेटिंग में, और यहाँ पे सेटिंग में देखिए, सेटिंग में जाइए आप यहाँ पे, और ये ऐड है, और यहाँ पे देखिए बहुत से फीचर्स मिलते हैं, बहुत से देखिए यहाँ पे अनलिमिटेड फीचर्स हैं इसके। पहला फीचर जो है रिकॉर्डिंग कंप्लीट, मतलब आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है, या फिर उसके बारे में। दूसरा वाइब्रेट व्हेन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मतलब जब आप रिकॉर्डिंग ऑन करें तो आपको एक वाइब्रेट मैसेज आए जिससे आपको पता चले रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। वाइब्रेट व्हेन स्टॉप रिकॉर्डिंग, मतलब जब आप बंद करें रिकॉर्डिंग तो आपको एक मैसेज आए जिससे क्या है एक्नॉलेजमेंट मैसेज कहते हैं, उससे पता चलेगा कि आपको रिकॉर्डिंग बंद हो गया। शटर साउंड, जब भी ऑन करें तो ऑन ऑफ करें, मतलब शटर एक साउंड सुना दे जैसे कि कैमरा में सुना देता है, बट मैं नहीं कहूँगा इसे ऑन करिए क्योंकि आप सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसे ऑन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कैमरा टू, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे कैमरा गया, आप फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप फ्रंट कैमरा सेलेक्ट करेंगे तो फ्रंट कैमरा पर रिकॉर्डिंग होगा, मतलब अगर आपके पीछे कोई खड़ा है और आप मोबाइल लेके ऐसे खड़े हैं व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि पीछे वाला जो आपके है उसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, तो आप चैट करते रहिए और फ्रंट कैमरा ऑन कर दीजिए, आपके पीछे का वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है कि आप कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे बेहतर आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा।
और ऑटो फोकस मोड मतलब यह खुद से सेलेक्ट करेगा कि मतलब मुझे कहाँ पे ऑटो फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में आप जाएंगे देखिए 4K तक है VGA है वीडियो, 480 पिक्सल है, 720 पिक्सल है, 1080 पिक्सल है, उसके बाद हाईएस्ट क्वालिटी एक है क्वाड कोर जिसे बोलते हैं क्वाड HD, उसके बाद 4K, मतलब इतने तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो ये तो आपकी वीडियो के साइज़ पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है आइडियो सोर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में आइडियो भी रिकॉर्ड हो तो आप इसे ऑन कर दीजिए, अगर आप ऑफ़ कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आडियो ना रिकॉर्ड हो केवल वीडियो रिकॉर्ड हो तो इसे आप ऑन कर दीजिए। आप इसे जूम भी कर सकते हैं अपनी वीडियो को जहाँ चाहें उतने बड़े जूम कर दे, 4x तक आपको जूमिंग मिलता है तो ये भी बहुत अच्छा बात है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लो लाइट का फीचर है, मतलब अगर आप वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम लाइट है तो वहाँ पे भी फीचर मिलता है, बहुत आसानी के साथ आप अच्छा क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक अगर आप कोई टाइम पीरियड लगाना चाहते हैं कि 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद आपका वीडियो बंद हो जाए तो यहाँ से आप टाइम लिमिट लगा सकते हैं। और यहाँ पे है कि मतलब अगर स्टोरेज कम रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद बैटरी कम। और सबसे खास बात है देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आप अपने जिसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग का बैकग्राउंड वीडियो उसका आप चेंज कर सकते हैं आइकन, यहाँ पे दूसरा आइकन लगा सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा कि आपका जो है वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप है इससे। और इसने बहुत अच्छा फीचर से दिया है, और यहाँ पे देखिए कैमरे के लिए भी दिया है जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऊपर दिखेगा वो भी दिखेगा नेविगेशन की तरफ, और इसे पता नहीं चलेगा कि ऊपर जो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ पे A to Z का कैमरा दिख रहा है वहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, मतलब जैसे कि गैस स्टेशन का स्पोर्ट का, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वहाँ पे भी चेक करके। और ये हाइड यहाँ से ऑन कर देंगे तो जो आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा वो गैलरी से हाइड रहेगा। और यहाँ पे दूसरा एक फीचर बताया है कि अगर आपका जो वीडियो है वो गैलरी से हाइड हो जाएगा, बट इन केस अगर आप मेमोरी कार्ड में है और कोई उसे ओपन करके चेक करता है तो वहाँ पे हाइड नहीं होगा। और यहाँ पे एक पासवर्ड का मैसेज है कि इस ऐप में आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, सिंपल यहाँ ऑन करना है और यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करके जो भी पासवर्ड इंटर करेंगे वो पासवर्ड सेट हो जाएगा। इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और इस ऐप में बस यही खासियत है, और सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि मैं फ़ोन पे कुछ भी करूँ और मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा। तो यह सब ऐप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, अब मुझे उम्मीद है आप सभी को मज़ा आएगा इस ऐप से। तो इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करें और अपने राय बताएं कि आपको यह ऐप कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।